जहानाबाद नगर के द्वारकापुरम में 700 स्क्वायर फीट में बनी हुई मकान को पूरी तरह से जग पर खड़ा कर दिया गया है। मकान की जो पूरी बेस है उसे उखाड़ कर जग पर खड़ा किया गया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि यह तस्वीर अजूबा तस्वीर है और यकीन न होने वाली तस्वीर है, लेकिन यह बिल्कुल सच है और इस सच को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह तस्वीर जहानाबाद के लिए अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, लेकिन सच है। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव सेवन। हम आज आपको एक अजीबो गरीब खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं और तस्वीर भी हम कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो देखकर आपको यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं करेंगे। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे हैं, यह पूरी तरह से जग पर उठा हुआ एक मकान है। आप तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं बिल्कुल सच देख पा रहे हैं। यह तस्वीर जो है किसी भी तरीके की कोई एडिटिंग नहीं है, कोई भी कट पेस्ट नहीं है, बिल्कुल जो है एकदम आप जो देख पा रहे हैं एकदम सही है और खुले आंखों से देखा जा सकता है कि यह जो मकान है पूरी तरह से बना हुआ था, गड्ढे में मकान चली गई थी, जिसके बाद एक टेक्निक के माध्यम से इसे 4 फीट ऊँचा किया जाना है और यह मकान जो है अपने जो समतल जो जगह था उससे 1 फीट ऊंचाई पर अभी खड़ा है। आप जो देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, यहाँ पर यह मकान पहले से बना हुआ था और यहाँ से इतना दूर का दूरी है जो कि आप सीधा तस्वीर में देख सकते हैं कि एक हाथ से अधिक, मतलब 1.5 हाथ तक के ये उठा हुआ है। और आपको हम और भी तस्वीर जो है विस्तार से दिखाते हैं, थोड़ा दूर करके दिखाते हैं। हम अपने सहयोगी कृष्ण मुरारी जी से चाहेंगे कि इस पूरी तस्वीर को दिखाया जाए, क्योंकि यह तस्वीर बिल्कुल अजूबा है और यह तस्वीर पर किसी को भरोसा नहीं होगा। यह तस्वीर जो है जहानाबाद का है और यह जो जहानाबाद के मकान को जिस तरीके से उठाया जा रहा है, इसे जानकर लोग हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जब यह बात की जानकारी हमें मिली थी तब हमें यकीन ही नहीं हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई मकान नीचे से उठ जाए और वो उसकी ऊंचाई को बढ़ाया जा सकता है, या फिर यूं कहा जा सकता है कि जो मकान पहले से सालों साल बरसों बरस से बना हुआ है उस मकान को भी ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। लेकिन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के कुछ कलाकारों ने ये कला दिखाया है। अपील करेंगे अपने सहयोगी कृष्ण मुरारी शर्मा से कि आप जो है इस तस्वीर को दिखाइए। यहाँ से आप देख सकते हैं गेट अंदर की तो तस्वीर है और क्लोज थोड़ा हो जाएंगे ताकि ये घर के अंदर की तस्वीर दिखाई देगी कि आखिर किस तरीके से घर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, पूरी तरह से जो है जग पर इसे फ्रेमिंग कर दिया गया है। पूरा बिल्डिंग जो है अब जग पर टिका हुआ है, यहाँ से लगा हुआ है और जग पे पूरी बिल्डिंग जो है तैयार है पूरी तरह से। इसमें उनका दावा भी है, ये लोग पूरा परिवार जो है इसी घर के ऊपरे वाले तल्ले पर रह भी रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी चुनौती थी। और यह जो घर देखिए, अंदर से बाहर से तस्वीर हम दिखा रहे थे जिसमें कहीं भी कोई हेरेप तक नहीं था, और यह जो है अंदर की तस्वीर देखिए, इसमें भी आपको कहीं भी कोई भी धड़का हुआ टूटा हुआ जैसा महसूस नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिल्डिंग जो है किसी भी एक भी पिलर के सहारे नहीं जुटा हुआ है। यह घर पिलर पे बना हुआ घर नहीं है, बल्कि यह घर जो है बिल्कुल मिट्टी और इसमें जो है आपका सीमेंट से बना हुआ घर है, जो मिट्टी का ईंटा होता है वो और सीमेंट का बना हुआ घर है, प्लास्टर हुआ है। लेकिन ये जो कारीगर हैं इनका दावा है कि हम सिर्फ जो है सीमेंट के घर को ही नहीं बल्कि अगर मिट्टी से बनी हुई घर भी है और उसे भी ऊंचा करना है तो हम लोग ऊंचा करने में सफल हैं। और हम लोगों ने ऐसी कई घरों को ऊंचा किया है जो कि मिट्टी से बनी हुई थी, मतलब यूं कह सकते हैं कि ना एक पिलर है ना एक सीमेंट है, फिर भी घर अगर ऊंचा करवाना है तो इन कारीगरों के माध्यम से आप ऊंचा जरूर करा सकते हैं। तो यह तस्वीर अद्भुत तस्वीर थी, अद्भुत नज़ारा था और यह जो दृश्य है पूरे जिले को झकझोर के रख देने वाली दृश्य है जिसे अभी आप देख पा रहे हैं। यह तस्वीर देखकर किसी को यकीन नहीं होगा, कभी भी कोई यह सोचने पर मजबूर नहीं होगा, क्योंकि यह जो है दृश्य संभवतः और इन तरीके की तस्वीर जो है बड़े बड़े शहरों महानगरों से आती थी, मुंबई से आती थी, दिल्ली से आती थी, NCR से आती थी, जो कि अजीब सा ट्रीट होता था। ऐसी कई तस्वीरें सामने जरूर आई है लेकिन तब भी लोगों ने कहा था कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और उसी का एक जीता जागता उदाहरण जहानाबाद में एक छोटे शहर में भी देखने के लिए मिल गया है कि यह जो है 700 स्क्वायर फीट की मकान
पूरी तरह से अपने जो समतल इलाका है, समतल जो जगह है, उससे 2.5 फुट ऊंचा उठ चुका है। 1 फुट इनका दावा है कि 1 फुट जो है यह जो है आपका जक है उसकी ऊंचाई है, और 1 फुट से बिल्कुल कम तक नहीं जो इसमें जो गुटके लगाए गए हैं उसकी भी ऊंचाई 1 फुट के आसपास है। मतलब 2 फुट से 2.5 फुट यह जो है पूरी तरह से घर उठा हुआ है अपने रियल जो इसका जो बेस है उस बेस से, और इसके नीचे ईंटें लग करके यह जो है मकान इतना ऊंचा हो जाएगा। और यह जो पहले जो मकान था वो नीचा पड़ रहा था, इसमें लोग रहने में थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे, उसको देखते हुए ही यह उठाया जा रहा है। आगे कितनी ऊंचाइयों तक उठेगी यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी यह पूरे 700 स्क्वायर फीट की मकान जो है जग पर खड़ा होना अद्भुत दृश्य पैदा करता है और किसी को यकीन नहीं हो रहा है। अगला एपिसोड भी दिखाएंगे जिसमें इस मकान के मालिक से भी आपको मिलाएंगे और इसके कारीगर से भी मिलाएंगे जो कि इस पूरे मकान को तोड़कर जग पर खड़ा कर दिया है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा बिहार लाइव 7।